दोस्तों, अक्सर आपने सुना या पढ़ा होगा कि एक नागिन ने अपने नाग का बदला लिया। हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों के पास से नाग नागिन के बदले की बहुत ही कहानियाँ सुनी होगी। ये कहानियाँ कोई फर्जी नहीं होती, सच में नागिन अपने नाग के मौत का बदला जरूर लेती है। आज हम एक ऐसी ही नागिन के बदले की बात करने वाले हैं और ये घटना गुजरात के एक छोटे से गांव में घटी थी। पूरी बात जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। गुजरात के वलसाड के एक छोटे से गांव में अजीत भाई अपनी बीवी राधा और बेटे रवि के साथ रहते थे। अजीत भाई मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते थे। पूरा परिवार बहुत ही खुश था। एक रात को जब पूरा परिवार रात के वक्त खाना खा रहा था, तब उन्होंने घर में एक नाग और नागिन को देखा। नाग नागिन को घर में देखकर पूरा परिवार बहुत ही डर गया और सब घर से बाहर निकल गए और चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। बहुत कोशिशें करने के बाद भी नाग नागिन का जोड़ा अजीत भाई के घर से बाहर नहीं निकला। ये देखकर अजीत भाई बहुत ही गुस्सा हो गए और डंडे से नाग को मारने लगे। नाग के सिर पर डंडा लगने की वजह से उनकी मौत हो गई और ये देखकर वहां खड़े सब लोग बहुत ही डर गए, क्योंकि नागिन ने ये सब देख लिया था। सब लोग जानते थे कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है। नागिन थोड़ी देर तक अपने मरे हुए नाग के पास बैठी रही और फिर वहां से चली गई। लोग भी अपने अपने घर चले गए और अजीत भाई मरे हुए नाग को घर के बाहर फेंक आए। अजीत भाई की बीवी को डर लग रहा था कि कहीं नागिन अपने मरे हुए नाग का बदला ना ले। ऐसे ही दिन निकलते रहे। एक सुबह जब अजीत भाई का बेटा बहुत देर तक उठा नहीं, तो उन्हें जगाने के लिए उनकी माँ वहां गई और राधा वहां जाकर देखती है कि उनके बेटे रवि के पैर में खून निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत ही डर गई और जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। अजीत भाई भी काम से वापस आ गए थे और जल्दी से बेटे रवि को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रवि को देखकर कहा कि सांप ने डस लिया है और जहर पूरे शरीर में फैल गया है। आपने बहुत देर कर दी, अगर जल्दी से ले आते तो हम आपके बेटे को बचा लेते। डॉक्टर की ये बातें सुनकर रवि के माता पिता के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो और पूरे गांव में देखते ही देखते ये बात फैल गई कि नागिन ने अपने नाग का बदला ले लिया। जिन्हें अजीत भाई ने डंडे से मारा था, उसी का बदला नागिन ने ले लिया था।